आप टकले हो और विग लगाते हो आई थिंक यू आर सिंगल नाउस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज़ मी कनिष्का तो आज बहुत टाइम बाद में ऐसे वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगी और मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है तो मैंने अब सोचा है कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे ठीक है और आज की वीडियो इज़ जो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि आप लोगों को मुझसे रिलेटेड कोई भी अजम्पन्स हैं तो फटाफट से ड्रॉप कर दो और सही बताऊं तो मैंने दो बार डाली है स्टोरी बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन थी कि अजम्पन में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है तो बहुत लोगों ने मुझसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे थे और अगर मैं क्वेश्चन वाली वीडियो बनाती तो फिर वो क्यू क्यों ए हो जाता वो अजम्पन्स नहीं होते तो मैंने दो बार स्टोरी डाली और सेकेंड टाइम में भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन ही पूछे हैं तो जो भी है अब फटाफट से लेट्स गेट स्टार्टेड और जो भी एजम्शन हैं मैं बताती हूँ आप लोगों को कि वो सच में ऐसा है या फिर वो गलत है तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है कि वॉट इज योर होम निक और ये सबसे फर्स्ट स्टोरी में डाला था कि व्हाट इज़ योर होम निक उसके बाद मैंने सबको समझाया कि अजम्प्शन क्या होता है तो उसके बाद लोगों ने मेरे निक भी गैस करे हैं योर निक मस्ट बी कन्नू ये तो नाम मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है और मेरा निक और भी गैसेस करे हैं लोगों ने योर निक नेम इज़ क्यूटी वाओ क्यूटो तो योर निक नेम इज़ क्यूटी और ये जिन आ गया इसको हमेशा वहीं रहना होता है जहाँ भी मेरी वीडियो शूट हो रही होती है पता नहीं क्यों तो योर निकनेम इज़ क्यूटी योर निक नेम इज़ क्वाइट प्रिंसेस प्रिंसेस ये निक नेम नहीं है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को नहीं पता होगा तो मेरा निक नेम है रिमझिम वैसे रिमझिम पहले था बट अब मुझे इन लोगों ने सबने घर पे सबने और निकनेम कर दिया इसका वैसे रिमझिम है लेकिन वैसे सब मुझे बोलते हैं रिम्मी 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 पता नहीं रिमझिम क्यों नहीं बोलते है? कुछ लोग रिमझिम भी बोलते हैं बट मोस्टली सब लोग घर पर मुझे रिम्मी बोलते हैं तो अब मैंने बता दिया कोई नहीं पूछेगा और अब बार बार सब मुझे रिम्मी भी नहीं बोलेगी ठीक है चलो तो फाइनली इसका आंसर मैंने कर दिया आप लोगों को कि मेरा निकनेम क्या है तो जो भी आप लोगों के अजम्सन थे इसको लेकर कि क्यूटी है प्रिंसेस है वो सब गलत थे मेरा निकनेम मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट एक और था मेरे हिसाब से निकने में जो भी था वो कन्नू ही लगता है सबको फैन नहीं रखा ये नाम कन्नू मुझे नहीं पसंद ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मुझे भी इतनी ज्यादा आदत हो गई है क्वेश्चन क्वेश्चन बोलने की तो नेक्स्ट अजम्पशन इज योर फेवरेट गॉड इज़ राधे कृष्णा ओके तो यार ऐसे कोई फेवरेट गॉड नहीं है मुझे सब गॉड्स ही पसंद है और मैं सब गॉड्स को ही मानती हूँ ऐसे कोई पर्टिकुलर एक गॉड नहीं है जैसे मुझे कृष्णा जी भी पसंद है मुझे गणपति जी भी पसंद हैं मुझे हनुमान जी भी पसंद है मुझे सब पसंद है तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है जो मुझे पसंद हो या फेवरेट हो ठीक है तो नेक्स्ट अजम्पन इज और मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी कि किसने क्वेश्चन पूछे आप देख सकते हो और स्क्रीन वो अटैच कर दूंगी मैं स्क्रीन शॉट ठीक है नेक्स्ट इज नेक्स्ट अजम्पन इज एक तो मेरे बाद में जितना तो परेशान करते हो और ये उससे रिलेटेड ही है तो नेक्स्ट इज आप टकले हो और विग लगाते हो ये नहीं ये मतलब ये कहाँ से सोच के ये अजम्पन आया आपके दिमाग में कि मैं टकली हूँ और ये कहाँ से लगता है ना मेरी वीडियोज में आज तक मैंने ऐसा कुछ शो करा है कि मैं विग लगाती हूँ या फिर कुछ भी तो ये मेरे नेचुरल हेयर हैं यार ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं टकली हूँ ये सब ऐसे अजम्पन्स तो मत ही लगाओ ठीक है इतने फनी फनी है फनी था ये आपका फेवरेट कलर ब्लैक है एंड आपको साड़ी भी बहुत पसंद है ये बिल्कुल सही अजाम्शन था मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और मुझे साड़ी भी बहुत पसंद है मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट साड़ी बहुत पसंद है नाइस नेक्स्ट अबाउट कनिष्का आई थिंक परफेक्ट लुक स्माइल आईज हेयर स्टाइल एवरी थिंग इज परफेक्ट ये अजाम्शन था या तारीफ थी पता नहीं तो ठीक है मैं इसको बोलूंगी ये बिल्कुल सही था क्स्ट एजम्पन इज ओके नेक्स्ट एजम्पन लुक गुड विद करते हैं और मैंने पहले बैंग्स रखे भी हैं और मैं यहाँ पर एक फोटो अटैच कर देती हूँ जिसपे मैंने बैंग्स वाला फिल्टर यूज करा उसमें पता चल जाएगा आपको कि मुझ पर बैंग सूट करते हैं या नहीं मैंने बहुत जब मैं बहुत छोटी थी ना तब मैंने बैंग्स रखे थे और अब तो मतलब ही नहीं होता कि मैं बैंग्स रखूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है जब मेरे फेस पे बाल आते हैं ना बिल्कुल इरिटेट हो जाती हूँ मैं तो मुझे मतलब बैंग्स वैसे सूट करते होंगे शायद आप ही बता सकते हो अब कि सूट करते हैं या नहीं तो हो सकता है सूट करते हो और पहले मुझे बहुत पसंद थे जब मैं छोटी थी ना तो मैंने बहुत टाइम तक बैंग्स रखे हुए भी हैं पता नहीं उसकी आई डोंट थिंक कोई पिक्चर अब मेरे पास होगी तो इसलिए मैंने फिल्टर यूज़ करा है देख सकते हो आप एंड अब तो मैं बैंग्स नहीं रखूँगी क्योंकि मुझसे नहीं संभलते अभी मुझसे इतने लंबे लंबे बाली नहीं संभलते हैं बैंक्स बैंक्स की थोड़ी केयर ज़्यादा होती है और बैंक्स से थोड़ी इरीटेट हो जाती हूँ मैं क्योंकि उससे गर्मी बहुत लगती है बहुत ज़्यादा वो ऐसे फेस पे आते हैं ना तो बहुत गर्मी लगती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगी अब अब मैं नहीं बोलूँगी आपकी एक वीडियो है जो थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन अभी भी हम रोज देखते हैं मालूम है कौन सी मुझे कैसे पता होगा कौन सी वीडियो देखते हो आप रोज वो भी ये अजम्प्शन नहीं था ये ऐसे ही था नेक्स्ट अजम्प्शन इज आई थिंक योर फेवरेट पीपल इज योर मॉम एंड सिस ओके तो ये अजम्प्शन अच्छा था दिस वॉज अजम्प्शन तो मॉम एंड सिस हाँ यह सही है और आप लोगों ने ये मेंशन नहीं करा कि मुझे सबसे ज्यादा जो जैसे घर में सबसे ज्यादा जो पसंद है वो दो लोग और हैं तो वो है जिन और फ्लेक्सी जिन और फ्लेक्सी सबसे ज्यादा पसंद है और मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड भी इन दोनों के साथ ही करती हूँ इश्का दीदी के साथ भी करती हूँ मम्मा के साथ भी करती हूँ बट इनके साथ सबसे ज्यादा करती हूँ जब मैं बोर हो रही होती हूँ जब मेरा मूड खराब होता है तो इन दोनों के साथ सबसे ज्यादा करती हूँ तो ये दोनों मेरे फेवरेट हैं ठीक है दिस वाज नाइस बहुत कम अजम्पन्स आप लोगों ने मुझसे अच्छे पूछे ये अजम्पन नहीं है ये मीशो हॉल लिखा हुआ है बस मीशो हॉल आई नो आप लोगों को मीशो हॉल चाहिए और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप हॉल वीडियोस बनाया करो जैसे पहले बनाते थे मैंने हॉल वीडियोस बनाना बंद बन कर दिया तो अब मैं दोबारा से सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ हॉल वीडियोस बनाना आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से कौन से हॉल चाहिए और मीशो में भी बहुत सारे हॉल्स होते हैं तो वो भी आप लोग मुझे बताओ कि कौन से हॉल चाहिए बैग वाला हॉल चाहिए जूलरी हॉल क्लोदिंग या फिर फुटवेयर सब टाइप के हॉल्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना स्पेसिफ़िक कौन सा हॉल चाहिए तो फिर मैं वो वो बनाऊंगी और सिर्फ मीशो के नहीं और भी जैसे अमेजोन कोई भी मिंत्रा कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हो मैं वो वाला हॉल जरूर लेकर आऊंगी ठीक है तो ये फोन बार बार लॉक हो रहा है यार नेक्स्ट इज इन रिलेशनशिप तो दिस इज एन अजम्पन इन गलत है आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप इसका तो बड़ा जल्दी आंसर दे दिया मैंने ये गलत था एजाम्शन वॉज रॉन्ग दिस अजम्पन वॉज रॉन्ग और ये कोई है जिसने मुझसे बहुत सारे आई नो क्वेश्चन पूछे हैं या क्या है ये उम्मीद रहेगी कि आप एक बार मुझसे जरूर मिलोगी प्लीज कनिष्का जी आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट यू मैं कानपुर से हूँ इन्होंने लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत सारी चीज़ें बोली हैं आप ही टिकटॉक में सारी वीडियो लाइक करता था इंस्टाग्राम में तो फिर मैंने सोचा कि इनका रिप्लाई करना तो बनता ही है प्लीज़ मैम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एट से टेन बार डेली आया हूँ पर आपका घर नहीं मिला तो नहीं मिला अच्छा मतलब वो मुझसे नहीं मिलता है। ओके कोई नहीं हम जरूर मिलेंगे जब भी आप दिल्ली आओगे ज़रूर मिलेंगे हम लोग ठीक है और इस बार मैंने रिप्लाई कर दिया है अब नहीं बोल सकते आपकी मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ ठीक है एंड थैंक यू सो मच आप मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो आपको मेरी जर्नी भी पता होगी पूरी टिक टॉक से अभी तक कर रहे हो तो सब कुछ आपने देखा होगा और सब कुछ आपको पता होगा तो थैंक यू सो मच और आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहो सब लोग ठीक है नेक्स्ट 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 भाई ये बहुत फनी था टकले वाला जो था ना नेक्स्ट एजम्प्शन इज मुझे लगता है कि आप बहुत आगे तक जाओगी वेरी नाइस एजम्शन ये बिल्कुल सही था आई वुड से ये बिल्कुल सही अजम्पन है आपको सही लगता है कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी ठीक है बहुत कम लोगों को समझ आया सच में मैंने इतनी बार समझाया कि अजम्पन क्या होते हैं बट कोई नहीं क्यू एन ए भी हम करेंगे जल्दी क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़े हैं जस्ट बिकॉज मुझे ये वीडियो अजम्पन्स की ही रखनी थी तो क्यू एन ए भी हम जल्दी करेंगे नेक्स्ट अजम्पशन इज आई थिंक यू आर सिंगल नाउ यस अजम्शन इज राइट तो आई एम सिंगल नाउ गॉड तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अजम्पन खत्म हो गए और क्वेश्चन ज्यादा हैं तो हम जल्दी ही क्यू एन ए वीडियो भी लाएंगे और क्यू एन ए के लिए मैं दोबारा से स्टोरी डाल दूंगी इंस्टाग्राम पर आपके जो भी क्यू क्वेश्चन हो अच्छे क्वेश्चन पूछा करो प्लीज अच्छे क्वेश्चन पूछा करो कोई भी फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो और आप लोगों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत टाइम से मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्लियरली बहुत डिस्टरबेंस आती है और बहुत टाइम से ऐसा हो भी रहा था और ऑब्वियसली होगा ही जब मैं बाहर जाती हूँ या घर पे भी कभी कभी, कभी होता है ऐसा तो डिस्टरबेंस आती है तो आई होप आपकी ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई होगी अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही होगी अब आप लोगों को बहुत अच्छे से और क्लियरली मेरी वॉइस आ रही होगी तो ये भी कमेंट करके बताना कि आप अच्छे से वॉइस आ रही है या नहीं ठीक है और आज फर्स्ट वीडियो ही है मेरी आफ्टर दिस माइक तो अब से आप लोगों को मेरी वॉइस हमेशा क्लियर आएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे मैं और ट्राई करूँगी कि कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ना आए एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब ऑल्सो तो अब फटाफट से एक तो कमेंट करके बता दो ठीक है और मुझे नहीं पता मैं ऐसी वीडियोस में इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोलती हूँ मुझे थोड़ा टाइम लेके थोड़ा आराम से बोलना चाहिए बट मुझे शायद आदत नहीं है और मैं तेज़ तेज़ी बोलती हूँ इसलिए होता है ऐसा तो इसलिए अब से मैं ना ऐसे रेगुलर इंट्रैक्शन वाली वीडियोज़ बनाती रहूंगी ताकि मुझे आदत हो जाए और मैं धीरे धीरे बोलूँ एक एक क्वेश्चन पे एक एक अजम्पन्स पे या जो भी है व्हाट्स वेवर उस पर टाइम दूँ है ना तो अब मैं धीरे बोलूंगी आई होप आप लोगों के जो भी एजम्शंस थे वो आप लोगों को पता चल गया होगा सही थे या गलत थे एक तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ हाँ तो अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वेट करना और अच्छे क्वेश्चन ही पूछना सब लोग कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और इंस्टा पे जब मैं स्टोरी डालूंगी वहां भी पूछ सकते हो एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को और हॉल वीडियोज किस टाइप की चाहिए जिस भी टाइप की आपको चाहिए होगी मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो लाऊं और और कोई भी आइडिया हो एक्सेप्ट प्रैंक वीडियोस प्रैंक के अलावा कोई आइडिया हो तो मुझे दे देना ठीक है कोई भी चैलेंज वीडियोस भी हो तो भी बता देना ठीक है तो दैट इट फॉर दिस वीडियो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टेट लव यू ऑल